पहले ये देख लो, बाकी इसके बाद देखते हैं। पहले ये देख लो, अगर कोई और होगा देख लेंगे। ठीक, देखो ये हटाओ, लेट से ये टी है, ठीक है। यहाँ पे थ्री टू का पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, तो बेसिकली इनफिनाइट तक जा रहा है ना। तो अगर मैं एक पैटर्न हटाऊंगा तब भी वो क्या रहेगा, सेम। तो बेसिकली ये जो है मेरा, ये भी क्या है, ये टी ही है, ठीक है। तो दिस बिकम्स 3 प्लस 2 बाय सॉरी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय टी। एलसीएम लेके टी इधर, टी ऊपर, तो ये बन जाएगा 3 प्लस टी बाय 2 टी प्लस 1, राइट। इक्वल टू क्या है, टी। एलसीएम लेके ये इधर, तो टी की क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, एक नेगेटिव आएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, जो पॉजिटिव आएगी वो वैल्यू है, बात खत्म हो जाएगा। वैसे भी याद रखना, इसकी जो वैल्यू है वो 3 प्लस समथिंग है, तो जो वैल्यू आएगी वो 3 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 3 प्लस समथिंग है, ये समझे ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां से ये वैल्यू आएगी, यहाँ से इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक टी की वैल्यू आ जाएगी, और अपना ओरिजिनल क्या था, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय टी, तो टी पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न रिकग्नाइज करना था। फोर्थ, देखो अगर डायरेक्टली एलसीएम लिया तो दिख रहा डिग्री 4 जाएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा डिग्री 4, और कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। बट एक चीज थी इसके अंदर कॉमन, कि ये सेम और ये सेम, और ऊपर एक्स था, राइट। तो मैं एक्स को नीचे ले आया, क्या बन गया, 4 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस 1, ये एक्स बन गया, ये 3 बाय एक्स, ये 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर 3 बाय एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये 3 बाय एक्स माइनस 3 बाय 2। अब ये देख रहे हो वेरिएबल पार्ट सेम हो गया, राइट। इसको टी ले लो तो क्या बना, डन। अब ये टी में क्वाड्रेटिक है, वो टी की क्वाड्रेटिक है, जो टी की वैल्यू आएगी वो इसके साथ इक्वेट करो, वहां से देखो एक्स की कितनी इरेशनल कितनी इरेशनल आ रही है, डन हो जाएगा। अप्रोच क्लियर हुआ, ठीक है। दिया नहीं था शायद मैंने, नहीं दिया था, किसने बोला, अभी बाद में जो चीज नहीं दिया वो बाद में यार, वो अलग से, प्लीज वो क्लास में नहीं। 8, इफ एबीसी आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इज, ठीक
माइनस सी। एबीसी पॉजिटिव है ठीक। अच्छा अब ये एक्स स्क्वायर को मैं मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मॉड एक्स की जो वैल्यू मतलब जो रूट आएंगे राइट मॉड एक्स के, वो मॉड एक्स की वैल्यू होगी ना राइट। तो मॉड एक्स को टी ले लिया मैंने। अब इसके जो दो रूट्स आ रहे हैं उनका सम क्या जा रहा है, -2b बाय ए एंड प्रोडक्ट। ध्यान से देखना जरा प्लीज, इसी से पता चल जाएगा हमने। देखो एबीसी पॉजिटिव है तो b बाय ए क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो सम ऑफ रूट से नेगेटिव इस इक्वेशन के, एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सम भी नेगेटिव प्रोडक्ट भी नेगेटिव, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव राइट। और जो नेगेटिव वाला है वो बड़ा है, जैसे -2 + 1 मतलब नेगेटिव वाले का मोड बड़ा है, कहने का मतलब ये मैग्नीट्यूड बड़ा, तभी जाके दोनों का सम क्या जाएगा ओवरऑल नेगेटिव। ये चीज क्लियर हुआ, तो मतलब एक पॉजिटिव है एक, इसका मतलब मोड एक्स की वैल्यू किसी पॉजिटिव के साथ इक्वेट होगी एंड मोड एक्स की वैल्यू किसी नेगेटिव के साथ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है राइट। इसी के साथ इक्वेट होगी तो यहां से आंसर क्या आ जाएंगे, दो। तो इसके दो रियल रूट हैं, बात खत्म। क्लियर हुआ, डाउट है तो बोलो, डाउट है बोलो, क्लियर हुआ, श्योर। एक देखो दो, यहां से हमने देखा जो रूट है वो किस टाइप के होंगे, तो मोडेक्स था ना वो रूट, तो इसका तो मोडेक्स पॉजिटिव होगा कुछ, मोडेक्स नेगेटिव होगा कुछ, ये समझे ना। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इधर के कोई रूट ही नहीं आएगा, मोडेक्स कांट भी नेगेटिव, तो मोडेक्स जो पॉजिटिव होगा उसके अंदर ओपन होकर दो आएंगे ना एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, तो दो रूट आ गए। सिक्स, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर करो जरा, 4a + b + c का होल स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 4 * ए, ए 1 है इसका, सी है 3 टाइम्स, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये 4 4 कटेगा राइट। इधर से क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab 2bc प्लस, अब ये 3 टाइम्स जब इधर आएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 2 - 3 - 1, तो सारे के सारे -1 हो जाएंगे ठीक है। अब इसके आगे किसी को ऑनेस्टली किसको नहीं पता चला क्या करना है, ये क्लास में बताया था मैंने, ध्यान से सुनना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, अब एक ए स्केयर लो एक बी स्केयर लो, 2 है ना, एक ए स्केयर एक बी स्केयर, -2ab के साथ कंबाइन करके a - b का, एक बी स्केयर एक सी स्केयर, -2bc के साथ एक ए स्क्वायर बचा एक सी स्क्वायर बचा, वो इसके साथ ये बन गया। अब तीन चीजों का स्क्वायर कब सम 0 कब होता है, जब इंडिविजुअली 0 होंगे, मतलब a - b मस्ट भी 0, b - c मस्ट भी 0, a - c मस्ट भी, तो a = b b = c a = c, तो तीनों को मिला के बना a = b = नॉट नेसेसरी 0, नेसेसरली 0, तीनों बराबर होने चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है, ये कंडीशन याद रखना कैसे मैनिपुलेट करते हैं ठीक है। कैसे वो हिट एंड डैश वो कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो लेकिन ऐसे नहीं विदाउट ऑप्शन, नहीं विदाउट ऑप्शन। 10th
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर है इसका, तीन ऑप्शन है ना। तो डी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए माइनस वन इंटू, अब देखो ये जीरो टू माइनस वन टू वन के बीच का है राइट, तो माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव, अरे माइनस टू, सोच के बोल। तो माइनस टू से जीरो के बीच में मतलब नेगेटिव, ये समझे। तो अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, अब देखो ये पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या जाएगा, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, क्लियर है, श्योर, ठीक है ना। कौन सा था ये, 10th 11th 12th, एम की कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए इस चीज के आंसर क्या आएंगे, दशना, ठीक है। एम की कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए इसके आंसर क्या आने चाहिए, दशना, ये अपने को बताना, ठीक है। अच्छा अब देखो, एम अगर इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर का राइट ट्वाइस करोगे माइनस वन करोगे ऑब्वियसली इंटीजर रहेगा, इंटीजर माइनस टू करोगे इंटीजर रहेगा, इंटीजर खुद इंटीजर ही है। तो कोफिशियंट्स क्या है, इंटीजर। अब अगर कोफिशियंट्स इंटीजर है तो रूट्स इसके रैशनल कब होते हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर राइट। नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, रियल नंबर का ना, वो तो इमेजिनरी का होगा ना, नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर तो जैसे माइनस फोर है, वो तो इमेजिनरी का परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, हमें तो रियल का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली हम ग्रेटर देन जीरो तो आएगा ही आएगा, कहने का मतलब उसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट लिया हमने इसका, वो क्या आ गया, इसका स्क्वायर यानी कि 4m² माइनस 4m प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज m इंटू सी m माइनस 2, तो दैट इज माइनस 4m² प्लस, तो ये आ गया 4m, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या होना चाहिए, k स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो m क्या आ गया, k स्क्वायर माइनस 1/4। तो m अगर इस टाइप का होगा राइट, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, ये समझे, ये समझे। डिस्क्रिमिनेंट क्या दिया हुआ, वो क्यों परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, एक से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं समझ रहा हूं। एक भाई एक बात बता, कंडीशन क्या है, रूट्स रैशनल होने चाहिए, उन्होंने बोला कंडी मतलब पूरे ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए, रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया ये, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसको के स्क्वायर के बराबर कर दिया, तो हमारी कंडीशन बनी है, मतलब एम इस टाइप का होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट, श्योर, बट आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा क्योंकि डिवाइडेड बाय फोर टाइप दिखाई दे रही है। अच्छा
2n+1 का पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। बेसिकली ये एक ऑड नंबर होगा, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसी ऑड का ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, किसी और का हो नहीं सकता, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसको पुट करना था k स्क्वायर नहीं 2k+1 या -1 का स्क्वायर, ऐसा करना था। ये 2k+1 या 2k-1, वो देख लो आंसर किसके साथ मैच कर रहा। 1 कट जाएगा तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी जो इजिली मैच कर जाएगी, ये समझे, हो जाएगा। चलो 12th, x²-xy+y²-4x-4y+16 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ बोलो क्या था? x² हाँ ठीक है। तो देखो हमें तो सिर्फ एक ही चीज पता है कि इसकी फैक्टराइजेशन कब होगी, जब इसका डेल्टा क्या होगा, 0। ये वाली चीज बताई हुई है ना कि नहीं, कि ये फैक्टराइजेशन कब होगी इसकी, ये बताई हुई है नहीं बताई हुई? नहीं बताई हुई, चलो देख लो, मेरे ख्याल से तो बताई हुई है, लेट्स सी। ये याद रखना 15th और 16th, ध्यान से देखना जरा। टू डिग्री टू वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, 2 डिग्री है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल से 2 डिग्री कैसे बनेगी? x²y²xy, वेयर ए बी एंड एच आर कोफिशियंट या कॉन्स्टेंट है जो कोफिशियंट बनाएंगे। x का कोफिशियंट 2g, y का कोफिशियंट 2f एंड c, ठीक है। अब यहाँ पे तीन पर्टिकुलर टर्म्स है जिनका कोफिशियंट हमने ट्वाइस लिया है, ठीक, ये इसलिए क्योंकि इसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज हमारे जनरेट होते हैं, दो कारण है वो, यहाँ पे 2 रखने से इजी हो जाते हैं, अदरवाइज वो बहुत गंदे दिखाई देंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं 2 लीनियर को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x² का क्वेश्चन क्या आ गया, a1 a2। अब xy का क्वेश्चन क्या आ रहा है, a1 b2, फिर x का क्या आ गया, फिर इसको गया xy, क्या क्वेश्चन आ गया, b1 a2, y स्क्वायर क्या क्वेश्चन आ गया, b1 y का, x का, y का कॉन्स्टेंट, नौ टर्म्स आ गई, इधर की तीन, इधर की तीन से मल्टीप्लाई कर, नौ टर्म्स आई। अब ध्यान से देखो, देर इज ओनली वन वे टू जनरेट, मतलब इनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद देर इज ओनली वन वे जिसके थ्रू हमें x² मिल सकता है, y² मिल सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म मिल सकती है, हाँ या ना। xy को जनरेट करने के 2 तरीके, इधर का x इधर के y के साथ, इधर का y इधर के x के साथ, 2 तरीके आ गए। अच्छा x के 2 तरीके, इधर का x इधर के कांस्टेंट के साथ, इधर का x इधर के कांस्टेंट के साथ, राइट, एंड y के भी 2 तरीके, क्या इधर का y इधर के कांस्टेंट के साथ, इधर का y इधर के कांस्टेंट के साथ। तो जिनके आगे एक्चुअली में 2 लगा हुआ है ना, वो एक्चुअली में उनके दो दो तरीके जनरेट होने के, यहां से तुम हिंट एज ए हिंट याद रख सकते हो कि किन के साथ 2 आएगा, एक्स वाई के साथ, एक्स के साथ, वाई के साथ, बाकी तीनों सेम। ये क्लियर है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये जो इक्वेशन है ना, 2 डिग्री 2 वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये देखा हुआ है हमने, बताया हुआ है मैंने, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है या फिर सारे के सारे कॉनेक्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्लांटेड भी, स्लांटेड पैराबोला को भी, ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकती है। पॉइंट क्लियर हुआ, अंडर डिफरेंट कंडीशन, अंडर डिफरेंट कंडीशन,
पीएनसी के बाद बाइनोमियल देखेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगा तुम्हें इलिप्शन हाइपरबोला। जैसे इलिप्शन हाइपरबोला आएगा तब मैं आपको ये बताऊंगा ये कॉनिक सेक्शन के डिफरेंट चीजों को कब रिप्रेजेंट करेगी अंडर व्हाट कंडीशन। अभी हमें क्या देखना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब कैसे रिप्रेजेंट करेगी, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएगी, अलग अलग कैसे हो जाएंगे। ये देखो ये दो मल्टीप्लाई करके ये बना, दो लीनियर को मल्टीप्लाई करके क्या बना, एक्स की टर्म वाई की टर्म एक्स वाई की टर्म सॉरी एक्स स्क्वायर की टर्म वाई स्क्वायर की टर्म कॉन्स्टेंट टर्म एक्स वाई की टर्म एक्स की टर्म वाई की टर्म, यानी कि 2 डिग्री 2 वेरिएबल बन गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बन सकता है। तो मतलब ये जो चीज है, अगर ये दो अलग अलग लीनियर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, हो सकता है ना हो, अगर तो हो गया तो ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ना एट द एंड ये इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 या तो ये 0, ये 0 हुआ आइदर दिस और दिस, और का मतलब यूनियन। तो इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा, दोनों का क्या करना है, यूनियन, यूनियन मतलब इकट्ठा रिप्रेजेंट करना ग्राफ पे। तो ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन, ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन को साथ में रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों लाइंस को साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ, श्योर। अब हमें देखना है कि ये जो चीज है ये दो अलग अलग में फैक्टराइज कैसे हो सकते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ये चीज क्लियर हुआ, अंडर व्हाट कंडीशन इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ध्यान से देखना। एक डिटर्मिनेंट बनाओ, ठीक है, ए बी सी, अब एक्स वाई 2h है तो एक एच इधर एक एच इधर, 2g है एक जी इधर एक जी इधर, 2f है एक एफ इधर एक एफ इधर। तो ये डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ये दो अलग अलग लीनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, अभी कहां से आया मैं रीजन दूंगा, बट पहले इसको एज इट इज याद रखो। ठीक है, क्या कंडीशन बनी, देखो इसको आता है ओपन करना ना, ए इंटू बी सी माइनस एच इंटू जी इंटू एच एफ माइनस बी जी, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, ये बनना चाहिए, अगर ये ट्रू हुआ तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे देखो जरा इधर क्या बना, 1 1 16, ठीक है, एक्स वाई का क्वेश्चन क्या है, -1, तो -1 मस्ट बी 2h, तो h क्या आ गया, -1/2, h चाहिए अपने को, 2h नहीं चाहिए, याद रखना। एक्स वाई का क्वेश्चन क्या है, वो क्या होना चाहिए, तो h क्या आया, हाफ करके -1/2, तो -1/2 -1/2, एक्स का क्वेश्चन -4, वो किसके बराबर होना चाहिए, 2g, तो g क्या आ गया, -2 -2, ये भी -2 -2। अब देखते हैं ये क्या आ रहा है, 1 इंटू 16 -4, ये +4 हो जाएगा ना, तो -4 माइनस ऑफ माइनस, तो +1/2 इंटू दिस इंटू दिस -8, दिस इंटू दिस 4, -2 इंटू दिस इंटू दिस 1, -2 -2 माइनस माइनस +2, क्या आ गया 12, ये कितना आ गया, -12 का हाफ -6, क्या आ गया 3 2 दा विद नेगेटिव, तो -6 क्या आ गया। तो मतलब ये जो चीज है इक्वल टू 0 करके, या इक्वल टू 0 ना भी करो, बेसिकली ये a1x + b1y + c1 इंटू a2x + b2y + c2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मतलब इसकी दो लीनियर में फैक्टराइजेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि भैया ये 0 आया। अब ये आया कहां से, एन फैक्टराइजेशन करनी कैसे, मैं वो भी बता देता हूं, यहां तक क्लियर है, पहले ये नोट कर लो। अभी तक हमें ये पता चला कि इसका डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, 0, तो मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है, ये बोला हमने। अब ये आया कहां से, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है, आया कहां से, है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब ये आया कहां से वो देख सकते हैं। ठीक है,
ध्यान से देखना। मान लो ये एक्स या वाई में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, दोनों में से एक में क्वाड्रेटिक मान लो, लेट से एक्स में, ये आ गया, ये आ गया, श्योर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि फोर एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, दैट इज बी वाई स्क्वायर टू एफ वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय टू ए। अब ये देखो, ये फोर बाहर आके टू, ये टू, ये टू, ये टू गया, ये आ गया, ए को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्या बन रहा है, ये वाई में क्वाड्रेटिक, ये वाई में क्वाड्रेटिक, तो वाई स्क्वेयर की टर्म क्या आ जाएगी, देखो इधर से आएगा एक्स स्क्वेयर, इधर से माइनस ए बी, प्लस वाई का क्वेश्चन इधर से टू एच जी आएगा, इधर से माइनस टू ए एफ, टू भी बाहर ले लो, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म जी स्क्वेयर माइनस ए सी, ये आ गया। हाँ यार ना यार, अब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अंडर रूट हट जाना चाहिए, बेसिकली अंडर रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस होगा इस वाली चीज को, एक बार प्लस वाली वाई, ये वाई में बन जाना चाहिए कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन, अगर ये वाई में एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल अगर अंदर वाली चीज परफेक्ट स्क्वेयर हो गई, वाई की क्वाड्रेटिक है ना, समथिंग इंटू वाई स्क्वेयर प्लस समथिंग इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये वाई में क्वाड्रेटिक है ना, राइट, तो अगर ये अंदर वाली क्वाड्रेटिक जो वाई में है ये परफेक्ट स्क्वायर अगर हो गई अंडर रूट के कारण, वो क्या बन जाएगा, एक लीनियर इन वाई बचेगा, वो एक बार इसके साथ प्लस होगा एक बार माइनस होगा तो दो लाइन आ जाएगी, बात खत्म। तो मतलब ये अगर अंडर रूट हटा तो ही जाके, क्योंकि लीनियर स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई अंडर रूट होता है क्या, नहीं होता, लीनियर होना चाहिए, तो ये लीनियर बनना चाहिए, लीनियर बनने के लिए अंदर वाली चीज को क्या होना चाहिए, अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब उसका डी जीरो होगा, तो इसका डी जीरो कर दो, हमें वो कंडीशन मिल जाएगी जिससे हमें ये मिला था, वहां से यहां से ये वो कंडीशन, पॉइंट समझा, अरे वो बता रहा हूं अभी, यार हद कर रहे हो, अभी कंप्लीट किया गया मैं बोलो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन कहां से, ये चीज पता चला, श्योर। अब दो टाइप के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तुम्हारे, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जरा, इधर देखो, ये भी
इक्वल टू जीरो करोगे ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, परफेक्ट स्क्वायर बना, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो करके देख लो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर करोगे माइनस सिक्सटीन, तो सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जीरो। अच्छा इसका डी करो जरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन इंटू माइनस फोर, तो क्या आ जाएगा सिक्सटीन, तीन नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव सिक्सटीन जीरो। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है तुम्हारा माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का होल, बाहर नेगेटिव आ गया। तो ये जो चीज आ रही है ये आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर का, मतलब पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है, और ये क्या है नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर है। ये समझे, दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ ये का पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये चीज क्लियर हुई। अब अगर तो पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है तो ये दो सिंपली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, लेकिन अगर नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर है, प्लीज ध्यान से सुनना मुझे, अगर ये नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर है, अब ये अंडर रूट के अंदर है ना, मैं इस वाली चीज की बात कर रहा हूं, ये वाली चीज की, कि जो वाई की क्वाड्रेटिक है ये या तो पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या तो डिपेंडिंग अपॉन वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये चीज क्लियर हुआ, श्योर पक्का। अब अगर तो पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर बना तो भैया दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, ये तो क्लियर है। और अगर नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर बना तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस आइटा आएगा, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव का होगा ना, मतलब ये ऐसा बन जाएगा, ये जो चीज है ना ये ऐसा बन जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस एंड वाई प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा हाँ है ना श्योर। तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस आइटा वाई प्लस अल्फा। अच्छा एक काम करो एक्स ही निकालो इधर से, तो क्या आ गया था साथ में, ये था माइनस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू एक्स। क्लियर हुआ, तो क्या लाइन आई, इमेजिनरी लाइन, हाँ है ना। देखो अगेन डी जीरो किया, इसका डी जीरो किया, वो कंडीशन मिल गई, उसके बाद लाइंस क्या बनेंगी, मतलब दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये चीज जो है दो लाइंस में अलग अलग हो जाएगा, अब वो या तो कॉम्प्लेक्स लाइंस होगी या तो रियल लाइंस। वो किस पे डिपेंड करता है, कि अंदर वाला जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है जहां से वो कंडीशन आई है, वो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो एक नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर है या फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये समझे। मान लो हम नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर वाला केस लेके जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर का आंसर आएगा ये वाली दो लाइन, हाँ है ना, इमेजिनरी लाइन, हाँ है ना, श्योर ध्यान से देख लो क्या रही लाइन, वाई इक्वल टू माइनस एच वाई प्लस जी प्लस माइनस आइटा वाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय ए, एक प्लस ले लो और एक सॉरी ओ सॉरी वाई ले लिया हमने, माइनस आइटा सॉरी हाँ है ना। अब एक काम करो, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है ना अपने को पॉइंट देखने के लिए, है ना, ध्यान से देखना जरा, क्योंकि देखो ये एक्चुअली में पता क्या हो रहा है, ये जो लाइंस आ रही है ना इसकी, लाइन वन इंटू लाइन टू इक्वल टू जीरो, ये भी इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, हाँ है ना। तो इनके जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी जो भी आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे इन जनरल, हाँ है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनियन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनियन, लेकिन उसको तो कोई रियल आंसर ही नहीं आया, तो मैं बेसिकली इसका कोई रियल आंसर नहीं बोलूंगा, हाँ है ना। मेरे को चेक करना है कि क्या कोई इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, या फिर पहली बात तो जरूरी नहीं है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का क्या है और एंड नहीं है, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, ये भी कॉम्प्लेक्स लाइन ये भी कॉम्प्लेक्स लाइन, इसको ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे, इसके ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे, हाँ है ना। बट ध्यान से देखना जरा ये चीज, हम ये इन जनरल बात है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, हाँ है ना, इन जनरल है। देखो दोनों के अंदर वाई इक्वल टू माइनस अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करो जरा वाई इक्वल टू माइनस अल्फा, ये जीरो ये जीरो, तो एक्स और ये तो सेम है दोनों का, क्योंकि प्लस माइनस वाली चीज तो हमने जीरो कर दी जो इमेजिनरी वाला पार्ट हो रहा था, तो एक्स इक्वल टू सम पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा, मतलब अब ध्यान से देखो ये नंबर क्या है रियल,
आइटा है ही नहीं ना, वाई में आइटा है ना एक्स में आइटा है। तो ये एक रियल नंबर है जो पहली लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी को, दोनों है कॉम्प्लेक्स लाइन, बट एक एक्स कोमा वाई रियल वाला एक पर्टिकुलर रियल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली ये जो दो, इसको इसका डी जीरो किया, ये वाला डेल्टा जीरो किया जो आया था, डेल्टा जीरो करके उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ये नेगेटिव है तो ये जाएंगी दो इमेजिनरी लाइन। अब ये दो इमेजिनरी लाइन में सिर्फ एक रियल नंबर है, एक रियल एक्स कोमा वाई है, एक रियल पॉइंट है जो इनको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। हाँ है ना। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो चीज है ये एक पर्टिकुलर रियल पॉइंट से पास करेगी, बाकी बाकी पॉइंट से कर रही है, लेकिन बाकी पॉइंट हैं क्या, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें तो रियल आंसर चाहिए। तो एक्चुअली में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उनका एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई जो कि रियल है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो दोनों की दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, और वो पॉइंट क्या है, रियल। हम अगर मैं रियल डोमेन की मैं बात करूं तो एक्स एंड वाई अगर रियल है तो सिर्फ एक एक्स एंड वाई रियल है जो इसको, इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इन दैट केस। हाँ जाना राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंगल पॉइंट। लेकिन अगर मेरा डोमेन ही कॉम्प्लेक्स है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन दैट केस। डिपेंड करता है मेरा डोमेन क्या है, मैं एक्स एंड वाई क्या लेके जा रहा हूँ। एक्स एंड वाई अगर मेरे कॉम्प्लेक्स है तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर एक्स एंड वाई रियल है फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट। राइट। इन जनरल हम रियल की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स डोमेन की बात नहीं करते, तो इन जनरल रियल की बात करते हैं, तो रियल के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, ये पॉइंट। इसलिए ये पॉइंट बोल रहा है। तो अब मेरे पास पॉइंट की, मैं अब पूरी कंडीशन दोबारा बता रहा हूँ, ये कुछ कुछ समझ आया। भाई हमारे पास यहाँ पे इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना था ना क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, हमें सारे केसेस लेके जाने हैं ना। इस क्वेश्चन में डी जीरो आ रहा था, बट अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज आ रही थी, एक्स के अंदर जो बन रही थी, वो एक नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी आ रहा था। अब वो इमेजिनरी लाइंस होगी, अब इमेजिनरी लाइंस क्यों एक रियल पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगी, दो इमेजिनरी लाइंस क्यों एक रियल पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगी, इसके ऊपर पॉइंट आ रहा था। राइट। तो पॉइंट क्या आ रहा था, इसको जीरो कर दो, एक्स रियल आ गया, तो ये भी जीरो, इसको जीरो करके वाई भी रियल आ रहा है, और वो पुट करके आइटा वाला पार्ट हट रहा है तो एक्स भी रियल आ रहा है, मतलब एक्स भी और वाई भी रियल आ रहे हैं। तो इमेजिनरी लाइंस इसके थ्रू जो आएंगी, जो दो इमेजिनरी लाइंस आएंगी, वो एक रियल पॉइंट के थ्रू पास करेंगी। ये क्लियर हुआ। अब मैं शुरू से बता रहा हूँ, पहले कुछ लिखना लिख लो, पहले कुछ लिखना लिख लो, मैं फिर शुरू से बता रहा हूँ। तो इस पूरी चीज की समरी क्या है, कि ये जो चीज है, सबसे पहले इसका डी जीरो होना, मतलब ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ जीरो होना। अगर ये हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एल वन इंटू एल टू इक्वल टू जीरो, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ है ना। अब इसके अंदर हमने ये बोला, अगर ये आया कहां से, एक्स में क्वाड्रेटिक ले लो या वाई में क्वाड्रेटिक ले लो, राइट, वो अंडर रूट वाली जो चीज आएगी, राइट, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके, वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। राइट। तो वो परफेक्ट स्क्वायर करके ये चीज जाती है, यहां से कंडीशन आती है। ये क्लियर हुआ, पक्का, श्योर, पक्का, ये कहां से कंडीशन है, ये क्लियर है। अब वो वाली जो चीज थी अंडर रूट के अंदर वाले, या तो वो एक पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या तो डिपेंडिंग अपॉन उधर, बाय द वे क्वाड्रेटिक किसमें थी, वाई में, तो वाई का जो क्वाड्रेटिक है उसका वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो था एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो अगर इसके बाद एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो हुआ, या एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो हुआ, अगर तो ये हुआ तो टू रियल लाइंस
आ जाएंगी डिस्टिंक्ट। एंड ये हुआ तो टू इमेजिनरी लाइंस आ जाएंगी। एंड ये जो दो इमेजिनरी लाइंस आ रही हैं, इनका एक रियल पॉइंट है जहां से ये पास कर रही है, ठीक है। एंड बोथ दीज इमेजिनरी लाइंस पासिस थ्रू अ सिंगल रियल पॉइंट। रियल पॉइंट मतलब एक्स कोमा वाई दोनों के दोनों क्या है, रियल। वो हमने अभी प्रूव किया था, राइट। तो बेसिकली बी जीरो होना या ये वाला चीज जीरो होना एंड एच स्क्वायर माइनस ए भी लेस देन जीरो होना, ये क्या देगा हमें पॉइंट। बी जीरो होना एच स्क्वायर माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो होना, ये क्या देगा हमें टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये समझे? श्योर? इन दैट केस कितने सोल्यूशन आ जाएंगे? इनफाइनाइट। दोनों लाइन के ऊपर आने वाले कितने पॉइंट है, रियल पॉइंट, इनफाइनाइट। इस केस में इनफाइनाइट एक्स एंड वाई जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस केस में एक सिंगल एक्स कोमा वाई जो रियल है जिसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज वाई इसका आंसर क्या आएगा फिर पॉइंट। ये क्लियर हुआ? श्योर? अब देख लो, अब पूरी समरी में किसी को डाउट है तो बोलो। ये अभी तक हमने प्रूव किया सारा, ये क्लियर है? श्योर? देख लो, ये पता चला इमेजिनरी लाइन में क्यों एक सिंगल रियल पॉइंट आएगा। श्योर? ये नोट कर लो, अब ये ट्री स्ट्रक्चर बना लो। बोलो जरा क्या था क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो। अब इसकी बात हो रही है, राइट। अब इसका पहले डेल्टा, डेल्टा तो अभी हमने निकाला था, डी क्या आ रहा था, जीरो। अब एच स्क्वायर माइनस ए भी निकाला, अब देखो ये टू एच था है ना, तो एच क्या आ जाएगा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस वन इंटू वन क्या आ रहा, नेगेटिव। तो भैया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बट इमेजिनरी, तो इनका ऑब्वियसली एक रियल पॉइंट आएगा जो तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक रियल पॉइंट यानी कि एक सिंगल पॉइंट। ये क्लियर है अभी? तो आप अच्छा वो पॉइंट है क्या वो भी निकाल लेते हैं आप। अब इसका मैं प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। किसमें क्वाड्रेटिक लेके जाऊँ, एक्स में वाई में? एक्स में तो लेके गए ना, वाई में ले लो, एक ही बात है, कंडीशन तो वही बनेगी। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स माइनस फोर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस ये बन जाएगा प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। ये क्लियर है? अब वाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी यानी कि इसका नेगेटिव, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बचा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर पे गया, एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस फोर इंटू वन इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू है यानी कि टू, वो टू इधर आ गया यार, चलो नीचे रखो। तो अभी अंदर वाली चीज को पकड़ो, क्या आ रहा है, हाँ जी क्या आ रहा है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एट एक्स प्लस सिक्सटीन, तो प्लस माइनस थ्री कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एट आ जाएगा प्लस सिक्सटीन, तो माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर कॉमन आ गया नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर। क्यों आ रहा है नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अंदर से क्वाड्रेटिक आ रही है, इसका एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए भी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो ये बन जाएगा, इसका अंडर रूट लो क्या बन जाएगा, माइनस थ्री का रूट क्या आ जाएगा, रूट थ्री आइटा, और साथ में आ जाएगा एक्स, यहाँ पे मोड नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको ऑलरेडी प्लस माइनस लगा चुके हैं हम, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने एक्स को फोर पुट किया, ये जीरो हो जाएगा, आइटा वाला पार्ट गया, तो एक्स को फोर पुट करके फोर प्लस फोर एट बाई टू, तो वाई इक्वल टू, तो ये पॉइंट जो है वो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता है, और यही एकमात्र एक रियल पॉइंट, इसके अलावा है ही नहीं। ये पॉइंट भी आ गया, अब हमें पॉइंट भी पता चल गया, क्लियर हुआ? अब ये पूरा प्रोसेस हमने आज किया, ये कोई डाउट इसमें?
अल्फा, एन वाई की जगह माइनस अल्फा पुट करो उधर, पूरी क्वेश्चन यार। इधर आप माइनस अल्फा पुट कर रहे हो, इधर भी तो जो एक्स वाई आ रहा है ना, उधर भी वाई आ रहा है, उधर भी अल्फा पुट। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या है। माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस जी प्लस माइनस आइटा वाई माइनस वाई प्लस अल्फा। अब वाई को माइनस अल्फा पुट करके आइटा वाला पार्ट तो गया, इधर भी तो जो वाई, उधर भी तो अल्फा माइनस अल्फा पुट करोगे। मैं पहले भी ये बता रहा था, ठीक है ना? अब क्लियर है, श्योर? क्वेश्चन एंड इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ? अपने को हर क्वेश्चन आपके बाद किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कंसेप्ट पॉइंट, उसके पीछे कंसेप्ट क्या, उसकी रीजनिंग अच्छे से क्लियर करनी है, याद रखना। फिर कॉनिक्स बनेगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो कब कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो तब देखेंगे। चले आगे अब, चलो क्या था अगला? अच्छा ठीक वो बोल रहा है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड, तो इसकी वैल्यू मीन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये ठीक है? ठीक, अब ध्यान से देखना। एक्स कॉमन लिया, ये आ गया, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, डिस्टिंक्ट है, याद रखना, ये छोटी छोटी कंडीशन आंसर में फर्क डाल देगी। तो डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डिस्टिंक्ट की बात कर रहा है वो, तो क्या आ जाएगा, बी स्केयर, यानी कि ए माइनस थ्री का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस है तो ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस टू शुड बी ए स्केयर माइनस सिक्स ए प्लस फोर ए नाइन प्लस एट, ये क्या आ गया, ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो ये जो चीज है इसका ए पॉजिटिव है और इसका डी नेगेटिव है, तो मतलब ये ऐसा टाइप का ग्राफ है, हाँ या ना? तो ए जो मुझे पुट करो इट इज ऑलवेज, तो यहां से इससे निकल आंसर आ गया ए बिलोंग्स टू ऑल, हाँ या ना? मतलब इसके अंदर ए जो मर्जी हो, इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे आएंगे। अब यहां से ए ढूंढने के बाद वो सारे के सारे ए इधर पुट करके इसकी जो वैल्यू जा रही थी, जो भी जाएगी वैल्यू, तो सबसे कम वाली वैल्यू बतानी थी। अब यहां से ए हमें क्या पता चला, क्या है, ऑल रियल, तो सारे के सारे रियल इसमें पुट करो, सारे के सारे रियल पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी वो अपने को बताना, हाँ या ना? राइट। अब पॉइंट है, टाइम है ये चीज इंट्रोड्यूस करने का, वैसे ये सारी की सारी चीजें फंक्शन की हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, बट कॉम्पिटिशन लेवल पे ये डाल देते हैं पहले, बट ये फंक्शन का पार्ट है। अब ये क्या पार्ट है, ध्यान से देखना, ये चीज की मिनिमम वैल्यू, ठीक है? ऐसा लो, ऊपर हमने नीचे वाली चीज क्रिएट की, प्लस वन माइनस वन करके क्या बन जाएगा, क्या आ गया? अब इस चीज की क्या चाहिए हमें वैल्यू, मिनिमम। अब ध्यान से देखना, इसके ए अगर होल रियल है, राइट, तो ए स्केयर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना स्केयर करने पे, ये ए है, तो नेगेटिव का स्केयर भी क्या हो जाएगा, जीरो का स्केयर जीरो, पॉजिटिव का स्केयर पॉजिटिव,
तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? यह जीरो, तो ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा जीरो से बड़ा बड़ा, हाँ या ना? प्लस टू किया, ए स्क्वायर प्लस टू क्या आ जाएगा? ये समझे, ये समझे, यहां से यहां तक कैसे पता चला? नहीं पता चला बोल दो, पक्का श्योर? ऐसे देखा करो, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इंफिनिटी, ये था जीरो टू इंफिनिटी का मतलब, ये प्लस टू कर दो, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो ए स्क्वायर प्लस टू क्या आ गया? टू से बड़ा बड़ा, इंफिनिटी प्लस टू इज इंफिनिटी से छोटा, तो इसलिए टू से लेके इंफिनिटी। अब इसका करना रेसिप्रोकल, तो टू से बड़े बड़े नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोक, अब देखो आ गया ना फंक्शन, आ गया ना, ध्यान से देखना प्लीज, जीरो टू, जीरो टू हाफ, जीरो नॉट इंक्लूडेड हाफ इंक्लूडेड, ध्यान से देख लो जरा, ये फंक्शन चैप्टर जो आएगा ना हमारा 12th में, उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर ये चीज आएगी, रेंज निकालने में ये चीज आती है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो अभी देख लो तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी भी क्लियर करने की कोशिश करो। तो इधर जितने भी नंबर होते हैं 0 to 1 के बीच में, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? कि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तभी आया 0 to 1 के बीच में एंड पॉजिटिव है। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? जो बड़ी वाली चीज ऊपर आ जाएगी तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा नीचे वाला, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल इधर चला जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, एंड जो इधर नंबर उसका रेसिप्रोकल इधर, ऐसे इसका रेसिप्रोकल इधर, इसका रेसिप्रोकल इधर, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का -1 एंड 0 का रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। ये सिंगल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, कैसे करते, कहां पे किसका कहां लाई करेगा, वो चीज हमने देखी, हाँ है ना? अब आ रहा है वेरिएबल का रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/x, एक्स -3 का रेसिप्रोकल 1/x, कैसे आएगा ये सब चीजें, ठीक है? अब देखो, अगर वैल्यू 1 से बढ़ रही है तो उसका रेसिप्रोकल कम होगा, क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल में वो जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और किसी भी चीज का डिनोमिनेटर बढ़ना मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है, कोई भी चीज 1 से इंफिनिटी की तरफ जा रही है तो उसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा? 1 से 0 की तरफ, ये चीज क्लियर हुई? श्योर? अच्छा, कोई भी चीज इंफिनिटी से 1 की तरफ आ रही है तो उसका रेसिप्रोकल 0 to 1 आएगा। बेसिकली ये दो एरो याद रखो, एक ये वाला 1 से उधर, 1 से इधर इंफिनिटी की तरफ, एक ये वाला 0 से 1 की तरफ, इंफिनिटी से 1 की तरफ। अब देखो, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, मतलब अगर वेरिएबल 1 to इन्फिनिटी जा रहा है तो इसका रेसिप्रोकल 1 to 0, अगर किसी कोई वेरिएबल की वैल्यू 1 to 0 की तरफ जा रही है तो इसका रेसिप्रोकल 1 to इन्फिनिटी जाएगा। अच्छा, अगर कोई वेरिएबल इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल 0 से 1, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 से 1 की तरफ आ रही है तो उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी से 1 की तरफ आएगा। इसका माइंड में रीजन क्लियर करो पहले, क्यों ऐसा हो रहा है, ये रीजन क्लियर करो। एग्जाम्पल, अगर कोई वैल्यू 0 से 1 की तरफ आ रही है तो 0 की तरफ रेसिप्रोकल होता नहीं है, 0 से 1 की तरफ आने का मतलब देखो, जीरो, वेरी क्लोज टू 0 नंबर होगा, जैसे 10 की पावर -10, फिर 10 की पावर, अब ये 1 की तरफ जा रहा है, हाँ है ना? तो वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ बढ़ के जाएगी 10 की पावर 0 तक, तो 10 की पावर लेते हैं -8, 10 की पावर -7 एंड 14, 10 की पावर -1 एंड, तो ये जा रही है 0 से लेके 1 की तरफ, हाँ है ना? इसका रेसिप्रोकल करो क्या जाएगा, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 याद आएगा, 10 याद आएगा, 10 की पावर 2, 17, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 10 एंड सो, ये वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान से देखो, अगर ये वाली वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही है तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या जा रही है इसी तरीके से, नहीं, अगेन अगेन, इधर 0 के जस्ट अगर वाला नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? इंफिनिटी, ये पता है ना? तो ये इंफिनिटी से 1 की तरफ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि 0 से अगर इधर आ रहा है तो ये इंफिनिटी से 1 की तरफ जाएगा, हमें प्रॉपर वेरिएशन पता होना चाहिए, ये समझे? ऐसे वो चारों आ रहे इधर आएंगे, ठीक है? लेकिन अगर हमारा कोई भी नंबर जो है वो 2 to इन्फिनिटी जा रहा है, तो देखो पहले का 1 से इन्फिनिटी जा रहा था तो उसका रेसिप्रोकल 1 से 0 जा रहा था, है ना? जो
अगर टू को शुरू करके इन्फिनिटी की तरफ जा रहे तो टू को रेसिप्रोकल ले लो, वहां से वो जीरो की तरफ जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ? अरे का कौन सा पार्ट लेना, ये क्लियर हुआ? अभी क्या जा रहा था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? लेकिन इंटरवल में तो छोटे से बड़ा लिखते हैं हम, तो ये क्या लिखेंगे इसको, जीरो से। हाँ, और अब देखो इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड होता है तो उसका रेसिप्रोकल जो जीरो आएगा वो नॉट इंक्लूडेड होगा, फिर इंक्लूडेड है तो उसका रेसिप्रोकल हाफ। ये जो चीज है ये क्या जा रही है, तो हमें करना है वन माइनस ये। कोई डाउट? श्योर? तो पहले तो इंटरवल का नेगेटिव कर दो, फिर वन ऐड करो। इंटरवल का नेगेटिव करके अब देखो जरा ये क्या जा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, माइनस हाफ से जीरो। उसके अंदर प्लस वन करना मतलब इसके अंदर भी, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, हाफ से लेके, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो ये मैनिपुलेशन हमें आनी चाहिए क्योंकि ये रेंज निकालने में हेल्प करता है। सीधा भी कर सकते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ कैसे करना है, बट ये समझ में आया। एक बार ये वाला मेथड नोट कर लो, फिर इसका एक और मेथड है मैं वो भी बताऊंगा। इसका दूसरा मेथड था, हमें ए स्केयर प्लस वन बाय ए स्केयर प्लस टू की वैल्यू निकालनी है। इसको ए बिलोंग्स टू ऑलरेडी था, इसको एक्स ले लो। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज चाहिए ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज तो हमें निकालना आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट? अब देखो एक और चीज, ये स्पेशल टाइप की क्वाड्रेटिक है जिसके अंदर एक्स की टर्म नहीं है, नहीं है एक्स की टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म है। हाँ है ना, एंड एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज। तो मैं क्या करूंगा, इधर से मैं वो भी मेथड नहीं लगाऊंगा, उसका भी शॉर्टकट लगाऊंगा। क्या, एक्स स्क्वायर निकाल लो इससे, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर इधर ले उसको इधर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन, वाई इक्वल टू, ये आ गया श्योर। अब एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहां पे लगा दो बेबी कर्व, इसका आ जाएगा वन, इसका आ जाएगा हाफ। अब नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमें चाहिए, तो हमारा आंसर आया ये। अब न्यूमरेटर को जहां पे जीरो उसको इंक्लूड करना, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना है, तो आंसर तो वाई बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, मतलब ये वाई बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू हाफ, मतलब क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक की तरह भी कर सकते थे। अब आप बोलो, देखो ये आपने देख के एनालाइज किया, अच्छी बात है, बट अगर स्टेटमेंट कुछ भी ऊपर नीचे होती तो उसका मैं इसलिए मेरे को कंसेप्ट बताना था, ये सिर्फ इसमें चल सकता है बाकी में नहीं चल सकता, वो ठीक है आप सही हो, लेकिन सिर्फ इसमें चल सकता है, इन जनरल नहीं चल सकता। ठीक है, मेरे को मेथड जो बताने थे वो इन जनरल थे। अब ये जो मैंने मेथड बताया, अगर एक्स की टर्म नहीं है तो हमेशा चलेगा, अगर एक्स की टर्म है तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो कर दो, राइट? वो वाला मेथड हमेशा चलेगा, और ये वाला मेथड इस केस में हमेशा चलेगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना, उसे आएगा वो। ये क्लियर है? श्योर? चलो कंटिन्यू करते हैं।